से हम सभी लोग इतने इमोशनल हो रहे हैं आज, पूरा एपिसोड इमोशन से भरा हुआ है, बट इतने इमोशनल होने के बावजूद इतना टेक्निकली परफेक्ट मैंने किसी को गाते हुए नहीं देखा है आज तक। आई थिंक आप द वॉइस इंडिया किड्स का ताज हो, यू नो, क्राउन हो हम सबके लिए, बिकॉज आपने इस गाने में दोनों जनरेशन, इनफैक्ट वो माँ की आवाज़ और देन जब बेटा रिप्लाई कर रहा है, उन दोनों में इतनी अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट किया। आई थिंक यू आर ऑन सम other level and I pray that you go higher, higher and higher. God bless. अब निहारिका की मम्मी आज हमारे साथ है, तो मैं उनसे भी बातें करना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मंच पर आ जाए, जोरदार ताला हो जाए। कैसा लग रहा है निहारिका को यहाँ देखकर इस इतने बड़े मंच पर? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं भी बहुत खुश हूँ निहारिका को इतना बड़ा स्टेज मिला है एनटीवी के वजह से। सबको थैंक, बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ। कमाल है। लेकिन यार निहारिका, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि यू नो, जब से यू नो ये शो शुरू हुआ है, आपको हमेशा हमने आपके यू नो मम्मी के साथ देखा है, पापा एक बार भी एपिसोड पे नहीं आए। एक्चुअली हमारा होम टाउन है त्रिपुरा, तो वहाँ पर पापा का भी जॉब है, गवर्नमेंट सर्विस है वहाँ पर, तो डॉक्टर है पापा एंड उनको बहुत कम छुट्टी मिलता है एंड 2-3 महीने में एक बार हार्डली हम मिल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं पापा को। लाइक पापा भी देख रहे होंगे, मेरा परफॉर्मेंस सुना होगा, तो मैं पापा को बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि पापा मैं आपसे दूर रहती हूँ, तो लाइक कभी मुझे गलत मत समझना कि मैं आपसे कम प्यार करती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा एंड
हिमेश कितने टाइम के बाद पापा को मिल रही हो? पापा से मैं लगभग 4 महीने के बाद मिल रही हूँ। अरे बाप रे। बहुत ज्यादा मिस करती हूँ पापा को। मम्मी हमेशा रहते मेरे साथ, पापा बहुत कम आ पाते, इसलिए बहुत ज्यादा मिस करती हूँ पापा को। एंड मैंने जब इसके पास होता हूँ ना, मेरा आंखों में आंसू आ जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, मेरा लिटिल एंजल है ये। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत सारे डिलीवरी देखी है, खुद की डिलीवरी कंडक्ट की है, लेकिन इसका जो डिलीवरी हुआ मैं पास नहीं था, बहुत दुख है मुझे। लेकिन मैं बहुत प्राउड हूँ इस लिटिल एंजल का बाप हूँ मैं। एक्चुअली दोनों को सल्यूट, पेरेंट्स को। आई नो बेटी है तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स टू मच। मम्मी आई है कलकत्ता रहने की कि इसको ट्रेनिंग दे म्यूजिक के लिए, तो ये बहुत बड़ा चीज है। अच्छा, दैट इज दिस इज द रीजन वो कलकत्ता आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, उसका रिजल्ट ये है आज। तो 14 ताले हो जाए निहारिका दांत के फादर के लिए। एंड निहारिका अब जल्दी से अपने आंसू पोंछ लो जल्दी, हाँ, क्योंकि अब है ना वोट अपील लेने का टाइम आ गया है। मुझे वोट करने के लिए अपने मोबाइल से कॉल करें 07097297309। याद रखिए मेरा कोड है 09, और आप मुझे SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप कीजिए NIH और भेज दीजिए 57575 पर। वोटिंग लाइंस खुल चुकी है और कल सुबह 9 बजे तक ही खुली रहेंगी, सो इंडिया कीप वोटिंग। सो थैंक यू सो मच निहारिका एंड फैमिली।